दोस्तों माशाल्लाह आप मुहज्जब और सुलझे हुए इंसान हैं। आप दूसरों से मुहातब होने के आदाब से तो गहरे वाकिफ होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको इन तज़ीम के अल्फाज को मौका की मुनासबत से इस्तेमाल करने में मुश्किलात पेश आती हों। अगर आपका जवाब हाँ में है तो आज का लेसन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा को इंग्लिश में हम लोग एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं, और इसको जुमले में इस तरह मौके की मुनासबत से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी माफ़ फरमाइए, क्या आप मुझे उर्दू बाज़ार का रास्ता बताएंगे? एक्सक्यूज़ मी, वुड यू प्लीज़ लीड मी टू द उर्दू बाज़ार। ब्राय मेहरबानी को इंग्लिश में प्लीज़ बोलते हैं, यानी ब्राय मेहरबानी लकीर से आगे ना आइएगा। Please don't walk across the line. तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं को इंग्लिश में no mention कहते हैं। इसमें एक छोटी सी कन्वर्जेशन देखते हैं। उमर, मैंने आधी रात को आपको जगा दिया, जिसके लिए मैं माजत हुआ हूं। उमर, I have disturbed you at midnight. I'm sorry for that. अली, कोई बात नहीं जनाब, यानी नो मेंशन सर। मेहरबानी या शुक्रिया को इंग्लिश में थैंक्स और थैंक यू कहते हैं। एक छोटी सी कन्वर्सेशन देखते हैं इस पे। हारिस, ये मेरा फर्ज था कि मैं आपकी मदद करता। हारिस, इट वॉज माई ड्यूटी टू हेल्प यू। वारिस, आपका बहुत शुक्रिया, यानी थैंक यू वेरी मच। जहन नसीब या खुशी रजामंदी को इंग्लिश में प्लेयर कहते हैं, यानी आपको अपनी सालगिरह पर बुलाकर मुझे बहुत खुशी हुई है। इट इज माय प्लेयर टू इनवाइट यू एट माय बर्थडे। अफसोस को इंग्लिश में सॉरी कहते हैं, अफसोस के मैंने आपका दिल दुखाया। सॉरी, आई हैव हर्ट योर फीलिंग्स। खुशामदीद को इंग्लिश में वेलकम कहते हैं। नई जमात में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, यानी यू आर वेलकम टू द न्यू क्लास। So, दोस्तों माजरत या माफ कीजिएगा को इंग्लिश में बोलेंगे पार्डन, यानी वादा हिलाफी के लिए माजरत चाहता हूं। पार्डन मी फॉर नॉट कीपिंग द प्रॉमिस। ब्राय करम या ब्राय मेहरबानी को इंग्लिश में काइंडली बोलते हैं। ब्राय मेहरबानी मेरी ख्वाहिश मान जाएं। काइंडली एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट।